नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ से एमपी का चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विधानसभा के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। विगत डेढ़ महीने से भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय प्रकाश गुप्त अपने अथक प्रयास और परिश्रम से इस बेनीपट्टी विधानसभा में जीत को लहर में परिवर्तित करते हुए विधानसभा के प्रत्याशी विनोद नारायण झा को आश्वस्त किया कि चुनाव में आपकी विजय होगी। जनता अपने सुपरस्टार को और जननायक को देखने के लिए उमड़ी पड़ी थी। सारे प्रशासनिक अमले फेल हो गए। जनता की उत्साहित भीड़ अपने इस नेता के विजय विश्वास पताका को लहर लहर लहरा रही थी। बता दें कि इसके एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नित्यानंद राय भारत सरकार के राज्य मंत्री ने जनसभा को संबोधित किया था। गांव में बिजली का तार दौड़ गए, हम कहले रहनी ना गांव गांव में बिजली का तार दौड़ाएंगे, तो ये किसने किया? एनडीए की सरकार ने किया। गांव गांव में सड़क पहुंच गई, किसने किया? एनडीए की सरकार ने किया। ये समता ममता और क्षमता की सरकार है। समता क्या है? सबके लिए काम करना, सबके विकास के लिए काम करना, सबका साथ होना, ये समता है। ममता, सबके लिए काम करना, सबके विकास के लिए काम करना, ये ममता है। और क्षमता क्या है? क्षमता है कि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान में भी अगर घुस के मारना हो, क्योंकि ये भारत की क्षमता है। मित्रों, हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा शक्ति हमारे साथ है।